अरे कभी तेल निकल आया है मेरी जमीनों से तेल। हाँ लेकिन यार पैसा ही पैसे को खींचता है ना, अपने हाथ में भी कुछ होता तो अपना तेल निकाल लेते। थोड़ा बहुत तेल तो हम भी तुम्हें गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आज मेरा एहसान दाऊद पे हो गया ना तो कल मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा? दाऊद को काबू में और उसकी जान जिस मैना में है तुम्हें उसका तोता बनना पड़ेगा। बेबी जी बाबा, हमारे निकाह को एक साल हो गया है फिर भी हम यूँ छुप छुप के मिलते हैं। अब मैं ना सबको बता देना चाहती हूँ, ही इज माय मैन। इतना क्या सोचना पड़ रहा है? सोच नहीं रहा था, मैं बस देख रहा था। क्या? उस चेहरे को जिसके नाम मैंने अपना सारा पल बिन मांगे कर दिया। ये है कबीर हाउस। ये घर किसी जमाने में रौनक और शान की मिसाल हुआ करता था। हर वक्त भीड़, लोग, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, प्रेस, फैंस, माजी के सुपरस्टार कबीर से मिलने वालों और उसे एक नजर देखकर खुश हो जाने वालों का रश। ये है कबीर। कभी खासे अमीर कबीर भी थे लेकिन जितना कमाया उससे ज्यादा उड़ाया। जवानी को देर तक रोके रखा और जिंदगी की तरंग झूमते झूमते बाकी सब हाथ से छूटता गया। ये क्या कह रहे हो दाऊद? तुम्हें भी जानता हूं और जमाने को भी समझता हूं। दाऊद सिर्फ सोच समझ की बात करता है। अरे दाऊद भाई, मैं आपका, मेरा सब कुछ आपका, जब तक आप जिंदा हैं जो आप चाहेंगे वही होगा। गुड, वेरी गुड। आहा, गुड, वेरी गुड। चाहे जो भी हो जाए, हर सुबह रमजान साहब की चाय का जायका वही रहता है। शुक्रिया साहब। अरे शुक्रिया तो तुम्हारा रमजान साहब। इतने बरसों में मेरे अलावा पहले तुम्हारे अब्बा थे और अब तुम हो जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने आपका नमक खाया साहब। गुड, चीनी भी खाया करो। बस साहब, इस घर की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। नजर तो तब लगेगी जब इस घर में खुशियां आएंगी। इतने बरसों से तो सिर्फ जा रहा है। हाँ कुछ भी नहीं रहा। हाँ, जब बेटा जवान हुआ तो सोचा कि वो मेरे सुनहरे दिन वापस लाएगा, इस घर की रौनकें बहाल करेगा, लेकिन उसकी फिल्म भी फ्लॉप हो गई। समझाया था कि बेटा जी यहाँ तजर्बे नहीं चलते, हल्के बजट की फिल्म साइन मत करो, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं मानी। वो तो शुक्र है कि किसी ने फिल्म देखी नहीं। रुहेल बाबा बहुत परेशान रहते हैं। अच्छा वाकई? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, उसे परेशान रहना भी चाहिए क्योंकि यही परेशानी आगे बढ़कर जुनून बनेगी। मेरा बेटा सुपरस्टार बनेगा, मेरा ख्वाब जरूर पूरा होगा। और अब मेरा बेटा कोई छोटा मोटा काम नहीं करेगा ना, बस फाइनेंसर मिलने की देर है। मेगा बजट फिल्म से रीलॉन्च होगा रुहेल खान, शान और फवाद से भी बड़ा फिल्म स्टार बनेगा, पाकिस्तान का खान रुहेल खान। मैं जदू भी दुश्मन मुकान जाना, ते बबलू फ्रूट चाट खा के जाना, 70 रुपए की क्रीम वाली और 50 रुपए की चटनी वाली, मांगने पर मसाला भी ज्यादा दिया जा सकता है, और बबलू फ्रूट चाट खाओ ते दुश्मन मुकाओ। Got it, excellent। वाह क्या? अब तो सीन खत्म हो गया, आप क्या टिश्यू कर रहे हो? जाओ दफा जाओ। कैसा दिया यार, इसके लिए बड़ी फीलिंग सही होती है, बड़ा कंसीव किया मैंने 6-7 दिन। ये एक दफा फिर मेरे लिए प्लीज, तालियां। माय स्वीट हार्ट, तुम जानती हो ना मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे करता हूँ, बट आई एम सॉरी, अब हालात की कुछ मजबूरी ऐसी है कि हम एक साथ वक्त ज्यादा गुजार नहीं पाते, मगर देखो प्रिंसेस आज हम दोनों फिर साथ घूमेंगे। I love you। हाँ भाई क्या सिचुएशन है? आप बैठे साहब, अल्लाह मालिक है। हाँ अल्लाह ही मालिक है, दुआ करना।
अब साहब इस पेट्रोल में वापस पहुंच जाए खैर से, आमीन। लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है कि कहीं ये टीवी पे तो नहीं चलेगा इश्तिहार, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो सिर्फ यही चलेगा। सुने अब क्या होगा? अरे तब की तब देखेंगे, जहाँ चलता है चलने दो इसको अब। हाँ लेकिन डैड ने अगर मुझे इस हुलिये में देख लिया वो तो मुझे गोली मार देंगे। अरे डैड को छोड़ो भाई, ये पैसे पकड़ो। पूरे 40,000 है ना? गिनो तो सही यार। गिनने क्या, ये तो वजन से 10,000 लग रहे सर। तो भाईजान 6 तारीख को 6,000 दिया आपको। जी जी। 3,000 दिया 8 तारीख को आपको। यस यस। कितना हो गया? 9,000। जी। 11,000 कल आपने मुझसे लिया। हाँ। 20 हो गया। जी। 10 ये। हाँ तो, लेकिन अभी भी 10,000 तो कम है, वो कहाँ गए? भाईजान 5,000 आपके प्रोटोकॉल में जो तालियां बजवाई हैं ये कहाँ से दिए? अच्छा अच्छा, हाँ यार उसका मुझे बड़ा फायदा हुआ है, मुझे कॉन्फिडेंस फील हुआ इसके बाद ना। लेकिन बाकी 5? तो मैं जो घर से आता हूँ चाय पानी पेट्रोल वो कहाँ से लाऊं मैं? अच्छा वो भी, चलो फिर तो यही गनीमत है। एक काम करें ना जी, ये आप मुझे दे दें, कल को आपको जरूरत होगी। किससे मांगेंगे? आपसे। मेरे पास होंगे तो मैं आपको दूंगा ना। हाँ यार। हाँ तो फिर कैसी लगी कहानी? अरे वाह, जबरदस्त कहानी है। मैं कहता हूँ तालियां बज उठेंगी सिनेमा हॉल में, ट्रस्ट मी। अरे मैं अभी तालियां बजा देता हूँ इस जबरदस्त कहानी पे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि होने को कुछ भी हो सकता है और ना होने को कुछ नहीं भी हो सकता। मतलब ये रिस्क, पहले बाप का पैसा था तो मैं प्रोड्यूसर था, अब मैं बिजनेसमैन, और तू जानता है कि बिजनेसमैन जरा देखभाल के हर काम करता है। अब सोच ना, फिल्म बनाने का मसला है, कहीं रुक गई, कोई मसला हो गया, नहीं चली, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ होने को तो कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, और नहीं होने को कुछ नहीं भी हो सकता, फिल्म हिट भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रिस्क तो हुआ ना, और तू अच्छी तरह जानता है जहाँ किसी बिजनेस में आखिर में सवालिया निशान आ जाए ना, वहाँ बिजनेसमैन फौरन कट लेता है। रिस्क तो हर काम में, कोई मच्छर या मक्खी तेरे दिमाग में घुस सकता है और तू पागलों की तरह अपना सर पटक पटक के मर भी सकता है। अबे काम डाउन यार, क्यों इतना शोर मचा रहा है? देख मैं कोई फाइनेंसर देखता हूँ, तू परेशान नहीं हो। वैसे एक बात है, तेरी गाड़ी है बहुत लकी, वो भी मेरे लिए। तो ये याद है 5 साल बाद मेरे घर में औलाद, और वो भी उस वक्त जब 2 दिन के लिए मैंने तेरी गाड़ी ली थी, बस उसी दिन वो खुशखबरी मिली थी मुझे। अब सोचना यार, ऐसी गाड़ी कौन छोड़ेगा? अरे सुल्तान खबरदार, मेरी गाड़ी मेरा गुरूर है, अगर आए ना तूने उसका नाम लिया ना तो जबान खींच लूंगा तेरी, शक्ल देख। अरे कबीर मेरी बात पर, कबीर अबे चल। अरे कबीर रमेश पाटली तू, आप दोनों एक दूसरे को जानते? शराब शराब शराब। तो एक काम करो, जल्दी से 2 चाय भिजवाओ। हाँ बिल्कुल, बैठे सर। चलो गाड़ी खरीदता है मेरी, चाय भिजवाओ। चलो बड़े 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 साहब गए हैं मीटिंग पे, रोहेल बाबा के लिए बहुत परेशान रहते हैं, अल्लाह करे उन्हें 15 करोड़ बजट की फिल्म मिल जाए। 15-20 करोड़? नो। अच्छा तो चल 15 में कर लेंगे। नो 8-10? नेवर। तो फिर? अरे कबीर बड़ा सोच, बड़ा इंटरनेशनल मूवी बनाओ, इंटरनेशनल। कम से कम 35-40 तो रुकने चाहिए, अच्छी फिल्म की अच्छी मार्केटिंग दोनों कंजूसी से नहीं हो सकती, तब जाके आती है बेस्ट बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। मतलब तुम मेरी फिल्म फाइनेंस करोगे? कर रहा हूं, मनी इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बस थोड़े ऐसे जरूरी काम है मैं निपटा रहा हूं मैं, तुम जब तक स्क्रिप्ट पे काम शुरू करो, दैट्स इट, गॉट इट? क्या देख रहे हो ऐसे? अरे यार तुम तो जवानी दीवानी मस्तानी के फ्लॉप होने के बाद गायब हो गए थे दिवालिया होकर, तो फिर इतना पैसा। कबीर 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 कबीर, क्या याद दिला दिया यार, पाकिस्तान में बर्बाद हुआ, दुबई में जाके शादोबाद,
अब वापस आए अपनी मंजिल मुराद हासिल करने के लिए। जहां की मट्टी थी वहीं वापस आई। गुड सर, चाय के साथ कुछ और भिजवाऊं? नहीं नहीं नहीं, तो एक काम करो, वो जोया बेटी को होटल से पिक करो, उसे शॉपिंग मॉल ले जाओ, उसे शॉपिंग कर रही है, वापसी में मुझे कभी ड्रॉप कर देगा। माय प्लेजर सर, मैं बस अभी गया, अभी गया। जोया? हाँ, हमारी जान, हमारे दिल की मुराद, यही मुराद पाने के लिए तो मैं यहाँ वापस आया पाकिस्तान। कोई सुलझाओ ससुराल मिल जाए तो बस, मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ जोया की तो है, बिन माँ के पाला है उसे। मैंने भी अपने इकलौते लखते जिगर को हैंडसम, क्रिएटिव, एमबीए किया हुआ उसने। एमबीए के बाद नौकरियां तो बहुत थी उसके लिए, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरे हीरो में हीरो वाली क्वालिटीज है, तो आजकल उसी के स्क्रिप्ट के लिए खुद को ट्रेन कर रहा हूँ। गुड, वेरी गुड। तो कब मिलवा रहे हो अपने हीरे जैसे हीरो से हमें, मिलवाओ। हाँ हाँ, तुम जोया के साथ किसी वक्त घर आओ। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं ना, हैं? अभी तो चले। अरे बाबा, कहा ना मैं वक्त से पहले पहुंचूंगा, और डैड को ये कह दूंगा कि मैं दोस्त के गांव जा रहा हूँ हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए, वो भी जरा खुश हो जाएंगे। Where are you my son? I've got a big surprise for you. याला खैर, इतनी खुशी? हाँ नहीं नहीं बाबा, बस ठीक है, मैं रखता हूँ, डैड मेरा ख्याल आ गया। ओके बाय। डैड 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 जी, क्या हुआ? 30-40 crore my son. What? What not? इंशाल्लाह हम ऐसी फिल्म बनाएंगे जो बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा देगी। मुबारक हो बेटा। लेकिन डैड, किस बात की मुबारक बात? मेरा एक दोस्त है जो कि दुबई में रहता है, he's a big shot. उसने खुद ऑफर किया कि हमारी फिल्म फाइनेंस करेगा, 35-40 crore तक देने को तैयार है, 3 मुल्कों में शूट होगी, and you will be the star. डैड, लेकिन लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा? दाऊद को काबू में, और उसकी जान जिस मैना में है, तुम्हें उसका तोता बनना पड़ेगा। जोया पे चलाओ कुछ ऐसा जादू कि वो हो जाए दीवानी, बाकी की मैं खुद लिख लूंगा कहानी। लेकिन डैड, मैं तो उसको जानता तक नहीं, मैंने तो उसको कभी देखा भी नहीं, ये सब कुछ मुझसे कैसे होगा? बेटा जी, अब चाहे वो गोरी हो या काली, उसकी आंखें हिरनी जैसी हो या भैंस जैसी, अब तुम्हारे लिए वही ऑप्शन है जो कि आखिरी ऑप्शन है। अगर तुम यहां भी फेल हो गए ना, तो बाप के हार्ट फेल होने के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। यू गॉट इट? इसलिए कल पूरी तैयारी के साथ तैयार रहना। कल? यस, मेरा बस चलता तो मैं आज ही ले आता। और हाँ, रमजान साहब से कहना कि कल किसी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके, गुड लक। तोता, मैना, मुर्गी, मुर्गा, अंडा, अंडा, ये सब कुछ कैसे होगा भाई? कबीर, दाद देनी पड़ेगी, घर तुमने बड़े करीने और सलीके से रखा हुआ है। ये सब क्रेडिट जाता है हमारे रमजान साहब, और अभी तो आप उनके हाथ की मजेदार सी चाय भी पीने वाले हैं। एक्चुअली शगुफ्ता के मरने के बाद मुझे कभी भी बीवी की कमी महसूस नहीं हुई। क्या? खाने पीने में, खाने पीने में। और वो रोहेल की हेल्दी डाइट का भी हमेशा ख्याल रखता है। Good, very good. अंकल, ये है आपका बेटा रोहिल? Oh yes, yes. My handsome and creative son, रोहिल खान. Yes, I know him. मैंने इसके कुछ इंटरव्यूज देखे, and he is very creative, very talented, और इतना अच्छा confident, and his sense of humor is amazing. Good, very good, very good, very good. अंकल, क्या ये हमसे नहीं मिलेंगे? अरे क्यों नहीं मिलेंगे, एक्चुअली मैं एक्साइटमेंट में उसे इन्फॉर्म करने ही भूल गया। मेरा ख्याल है कि वो वर्कआउट करने में बिजी होगा। अभी मिलवाते हैं अपनी प्रिंसेस को अपने हीरो से। जस्ट अ मिनट। श्योर श्योर।
प्रधान साहब, रोहिल कहाँ है? अपने कमरे में भी नहीं है। साहब एक बुरी खबर है। अच्छी खबर अभी पहुंची ही है कि सबके निकलना शुरू हो गए। पहले रोहिल को बुलाओ। वही तो, बाबा घर पे भी नहीं है और उनका मोबाइल भी ऑफ है। रोहिल कहा भी था कि तैयार रहना यार, कहाँ चला गया ये लड़का? Yes, go straight, 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 straight. आगे, आगे, आगे. And ta-da! तू किसका बच्चा है? मैं अपने मॉम एंड डैड का। नहीं, तू सिर्फ मेरा बच्चा है, माय बेबी, जस्ट माय बेबी। I love it when you call me your baby. I love it. I'm your baby. Just mine. अब केक कट करें। बेबी। जी बाबा। मैं बोर हो रही हूँ। मुझसे बाबा? अपने काम से। अरे बाबा, आप इतनी अच्छी जॉब करते हो, इतनी बड़ी एयरलाइन में एयर होस्टेस की, और क्या चाहिए? सारी दुनिया घूमती रहती हो और मेरा तो यहाँ से दिमाग ही घूमता रहता है। मेरा बस चले तो मैं भी आपके साथ एयर होस्टेस लग जाऊँ, मतलब वो जो मेल होस्टेस, स्टीवर्ड, जो भी कहते हैं उसे। आसान नहीं है, बहुत काम करना पड़ता है, और मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। नो काम, जस्ट यू एंड मी। बस मैं एक दफा सुपरस्टार बन जाऊँ, अपने बाबा की हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। बेबी, हमारे निकाह को एक साल हो गया है, फिर भी हम यूँ छुप छुप के मिलते हैं। अब मैं ना सबको बता देना चाहती हूँ कि ही इज माई मैन, जस्ट माई मैन। तुम बता दो ना डैड को अपने, कब होगा हमारा वलीमा? करूंगा बात बाबा से भी, लेकिन ये बात करनी पड़ेगी थोड़ी धीमे धीमे, वरना वो बना देंगे हमारे कीमे कीमे। डोंट वरी, हमारी शादी का वलीमा जरूर होगा। एंड यू नो वलीमा कितना जरूरी होता है। आई नो यू नो यू नो। बेबी, पापा, मैं तुम्हारे डैड के ख्वाबों के लिए I can't wait for years. हाँ, तुम्हारा स्टार बनने का ख्वाब मुझसे पहले था, तो इसलिए मैं सेल्फिश बनके तुम्हें ट्रबल नहीं करूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस किया तो मेरी लाइफ ट्रबल में आ जाएगी, दैट आई नो। क्योंकि मेरी लाइफ में ना सिर्फ तुम हो, तो मैं तुम्हें, तुम्हारे लिए हमें जान से भी मार सकती हूँ, भूलना मत। Food is here. मैं अभी आई। My baby. My baba. एक साल में बीवी इतनी जुनूनी हो जाती है, मुझे तो वाकई डर लग रहा है। कहाँ थे? कहाँ थे सारी रात, मैं पूछ रहा हूँ। डैड देखिए, सच बात तो ये है कि मेरे लिए यूं किसी भी लड़की को झूठे प्यार में फंसाना बिल्कुल मुश्किल है। डैड, झूठा प्यार तो सच्चा प्यार कर लो, इतनी प्यारी तो है वो। मगर डैड, रमजान साहब जरा ने बताई क्या क्या इहतमाम किया था हमने? बिरयानी, कोरमा, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, बीफ, चपली, कबाब, निहारी, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, फिश, झींगे। 15,340 रुपए का खर्चा हुआ है। सुन लिया तुमने कितना खर्चा हो चुका है? पता नहीं फिल्म शुरू होने तक और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें। अब सुन लो तुम, अब अगर एक बार भी और तुमने कोई फिल्म चलाई ना, तो मैं सारी गोलियां अपने दिल में उतार के मर जाऊंगा, बस। डैड, व्हाई यू गेटिंग मैड? नो क्वेश्चन, ओनली फोकस। सुन लो, अगर तुम जोया को पूरी नियत, मोहब्बत और मेहनत से इंप्रेस ना कर पाए, तो मैं इस पिस्टल का ट्रिगर प्रेस करके तुम्हें हमेशा के लिए डिप्रेस कर जाऊंगा। देखो रोहेल, अगर तुम इस इम्तिहान में हुए फेल, तो देखोगे मेरा मरम, समझे तुम? चलिए रमजान साहब। डैड, तो ये डैड टेंशन में रमजान को कहां ले जाते हैं? हेलो बेबी। तू किसका बच्चा है? मैं आपका बच्चा हूं बेबी। आई एम योर बेबी एंड योर बेबी ओनली। मेरा पाला शो बेबी। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? मैं बताऊं सरकार, तुम? अरे इजी भाई, इजी। लकी हूं मैं तुमसे मिलने के लिए खुद आया हूं।
वरना ज्यादातर लोगों की आंखें बंद होने के बाद खुलती हैं। अच्छा, मेरी तो हमेशा हैरत से आंखें फट जाती हैं। इसीलिए तो मैं आया हूँ, मैं तुम्हारा जमीर हूँ। मुझे देखो, मैं कितना मुतमईन हूँ। तुम हर वक्त क्यों बेचैन बेकरार रहते हो? बेवकूफ, तुम्हें इतनी बड़ी फिल्म मिल रही है, दो दो हसीनाओं के साथ रोमांस करने का मौका मिल रहा है, और अगर तुम सुपरस्टार बन गए तो फिर जिसके साथ मर्जी रहना। हाँ, लेकिन ये है कि उस वक्त तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ होगा। जहल स्टूपिड, सब पर अपना जादू चलाओ, किस्मत बार बार दस्तक नहीं देती, बार बार इस किस्म के कीमती मौके भी नहीं मिलते, बेवकूफ। अच्छा, लेकिन ये अनम के साथ धोखा नहीं होगा? हाँ यार, ये बात तो तुम्हारी सोचने के काबिल है। शट अप स्टूपिड। अजीब हालात है, जमीर भी जलील करके चला गया है। क्या करूं अगर मैं फिल्म हासिल करने के लिए डैड की बात मान जाऊं तो ये धोखा थोड़ी होगा, ये तो सिर्फ एक्टिंग होगी ना। और वैसे भी मैं सच्चा प्यार तो अनम से ही करता हूँ। इट्स टाइम टू गेट इनटू द कैरेक्टर। भाई लगता है कि बच्चों में भी दोस्ती हो गई है। हाँ, गुड, वेरी गुड। भाई बात ये कि जोया तो मुझे पहले दिन से अपनी बेटी जैसी लगती है। हाँ, सच्ची बात तो ये कि रोहिल ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया है। स्मार्ट, हाजिर दिमाग, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ। उसे देख के मुझे अपनी जबानी याद आ गई। देखो कितना अच्छा लग रहा है, सब आपस में घुल मिल रहे हैं, खुशपाश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। गुड, इट्स वेरी गुड। एक्सक्यूज मी। श्योर यार, यू आर एन अमेजिंग पर्सन रोहित। तुमसे बात करते करते बंदा सब कुछ भूल जाए। मैं तो हंस हंस के थक गई हूँ। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। सुनो, थक कर कहीं यही ना सो जाना, अपने घर जाकर सोना अच्छा। अच्छा ये बताओ, गर्लफ्रेंड्स तो बहुत होंगी तुम्हारी? तेरी कायनात में खुदा, दिल हमारा कहीं लगा नहीं, जो तसल्लियां हमारे दिल को दे, ऐसा कभी मिला नहीं। वाह, क्या बात है, शायरी भी कर लेते हैं आप। बस कभी कभी ऐसे 12-13 दिनों के बाद एक गजल लिख लेता हूँ, फिर खुद ही भूल जाता हूँ। वैसे मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। तुम उधार लेकर वापस नहीं करती होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये दोस्ती, ये नाते, ये कुछ भी नहीं है। दोस्ती यहां या वहां के लिए नहीं होती, हम जहां हो या तो वहां रहती है या फिर नहीं रहती। वाह 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 वाह, आप तो शायर, बताया नहीं मुझे। बस ससी, कभी कभी सर खाना खराब होने से पहले लगा दूं, कल से इंतजार में। यस प्लीज, जल्दी जल्दी, और बाहर से बच्चों को भी बुलवाओ, जल्दी जाओ। ओके, आई विल कॉल यू बैक। हाँ तो क्या कह रहे थे हम, क्या बात कर रहे थे? अरे यार दाऊद साहब, कमाल हो गया, बातों में भूख का पता ही नहीं चला। बस डिनर लगवा रहे हैं, रमजान और बच्चों को भी बुलवा लिया। गुड, इट्स वेरी गुड। Not at all, my love. I'm not ignoring you. तुम्हें पता है, कल से ना 1 week के लिए international flights हैं। Thank God. मतलब God. And you're telling this to me now? तो बता देती तो तुम आ जाते। Phone क्यों नहीं उठा रहे थे? वो जोया, जोरों की मीटिंग चल रही थी, बहुत जोरों की, और बहुत बड़ा एक फाइनेंसर आ रहा है, वो बहुत बहुत बिग फिल्म बना रहा है, यू नो, बिग फिल्म, बिग कास्ट, बिग प्रोडक्शन, यू नो व्हाट बिग इज। वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू बेबी। बेबी बस तुम खैरियत से जाओ, ताकि मैं दिन रात मेहनत करके इस फिल्म की तैयारियां शुरू करूं। और फिर हमारी वलीमे की, बेफिक्र हो जाओ, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आने के बाद जो नेक्स्ट फिल्म बनेगी वो हमारे वलीमे की होगी। खैर जो भी हीरोइन हो उसको मैं दूर ही रहूंगा बाबा। इट्स ओके, I understand and I trust you. I have you, बाबा। I have you too, baby. बहुत मिस करूंगी इतने दिन।
और मैं भी। ओ, क्या तकलीफ है? What? नहीं नहीं, वो बीच में उसकी फाइनेंसर की कॉल आ रही थी। तो उठाओ ना, मैं भी तो देखूं कि फाइनेंसर कितना इंप्रेस है मेरे हीरो से। उठा लो ना। वो असल में बैटरी बहुत लो है तो मैं दो दो कॉल्स मैनेज नहीं कर पा रहा। हेलो हेलो बेबी। बेटा बेटा बेटा, ये तू क्या कर रहा है? धोबी का कुत्ता, घर का नासी, घाट का नासी। कम से कम चलो गली कूचों में तो मैनेज कर सकेगा, लेकिन तू तो इतना डैमेज होगा कि तू या तो सीधा जाएगा कब्रिस्तान या फिर गिद्दू बंदर। साहब जी, साहब जी उठे, गजब हो गए साहब जी। वही क्या हो गया मुझे? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। उजाले कहाँ हैं डॉक्टर? साहब जी एक मिनट। शुक्र है मैं अंधा नहीं हुआ। हाँ बोलो क्या बात है? साहब जी वो पार्सल वाला आया है। ओ यार तो ले लेना था ना, मुझे जगाने की क्या जरूरत थी। साहब जी वो कोरियर वाला पैसे मांग रहा है। रमजान साहब, कोरियर वाला कितने पैसे लेता भला? दे देते अपने पास से। साहब जी वो 162,000 रुपया मांग रहा है। 162,000? क्या मंगवा लिया भाई? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मंगवा लिया है। तुम कल ही काम नहीं कर रही, कहां से आएगा इतना पैसा? हाँ बेटा, तो फिर यहाँ मजा आ रहा है? अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। बेबी के सारे पार्सल गाड़ी में रखवा दिए साहब। गुड, वेरी गुड। कबीर, मैं तुम्हारा चेक देना चाह रहा था लेकिन। नो वे, ये क्या बात कर रहे हो तुम यार? मैं इतनी छोटी सी रकम तुमसे वापस लूंगा, और वो भी हमारी प्रिंसेस की शॉपिंग की। थैंक यू सो मच कबीर अंकल। Always my pleasure, बेटा। Actually, बाबा के कार्ड में कोई एरर आ गया था शायद, तो पेमेंट नहीं हो सकी, कैश ऑन डिलीवरी करवाना पड़ा, वरना यूजुअली ऐसा होता नहीं है। No problem, my princess. बाबा मुझे सैलॉन जाना था। सोया, ड्राइवर तो छुट्टी पे गया हुआ है, कल तक आ जाएगा। और इनफैक्ट मुझे कबीर के साथ बैठ के कुछ बिजनेस पे डिस्कशन भी करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। लेकिन मेरा आज अपॉइंटमेंट है। कैंसिल कर दो, कल चली जाना। अरे क्यों भाई, जब हमारी बेटी को जाना है तो जाना है बस। रमजान, रोहिल साहब को बुलाओ, वो हमारी बेटी को लेके जाएगा। जी ठीक है साहब। कबीर अंकल, यू आर दी बेस्ट, थैंक यू सो मच। गुड, वेरी गुड। नॉट वेरी गुड, आई एम दी बेस्ट, शी सेज इट। यू आर, यस। अच्छा तो तुम भी वही चाहते हो? Course. दोनों साथ कितने अच्छे लगते हैं। और रोहिल में वो सारी खूबी मौजूद है जो मेरे वारिस में होनी चाहिए। शोबिज के साथ साथ मेरा बिजनेस भी संभालेगा, और हम दोनों दोस्त जो है याशी करेंगे वर्ल्ड टूर वगैरह। गुड, वेरी गुड, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड यू लिव इट एंड यू विल गेट एवरीथिंग। लेकिन रोहिल चाहता है कि पहले फिल्म। कम ऑन कबीर, तुम मुझे बहुत लाइट ले रहे हो। फिल्म स्टार्ट हो चुकी है, तुम फिल्म और कास्टिंग फाइनल करो, मैं नेक्स्ट वीक दुबई जाऊंगा, वापस आऊंगा, अब उसके बाद फिल्म स्टार्ट। इधर फिल्म स्टार्ट होगी और दुबई में गाने शूट, और उसके बाद हम बुर्ज खलीफा में एक बहुत बड़ी एंगेजमेंट सेरेमनी करेंगे, उधर कैमरा क्लोज होगा, और उसके बाद शादी। 2 घंटे हो गए, ये क्या दुल्हन बनने चली गई? अच्छा इतनी देर लगा के ये बन के रही है, फर्क क्या पड़ा? I'm so sorry, Rohin. पता नहीं मेरे कार्ड का क्या इशू हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Do you have some cash? मैं बाबा से लेके फौरन वापस कर दूँगी। Yeah, no problem. कितना? वैसे तो पैकेज था और काफी डिस्काउंट दे दिया उन्होंने। 50,000? 50,000? क्या अंदर न्यूरोसर्जरी भी कराते हैं पार्लर में? Just kidding. अच्छा असल में मेरे अपने कार्ड का भी कुछ थोड़ा इशू चल रहा था, वो कहीं चलता है कहीं नहीं चलता, तो आप मुझे 5 मिनट दीजिए ना, मैं एटीएम से जाकर तो निकलवा के लाता हूँ, आप अंदर बैठिए। नहीं तो अगर एटीएम पे चल जाएगा तो आई थिंक यहाँ भी चल जाएगा। हाँ ना,
होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन ये जब से एटीएम में चिप्स लगी हैं, ये अपनी मर्जी के मालिक हो गए कार्ड। कहीं चलते हैं, कहीं नहीं चलते, कहते यहाँ चलूंगा, यहाँ नहीं चलूंगा। तो जो मेरा कार्ड है वो कहते मैं सिर्फ एटीएम में ही चलूंगा। आप इस अंदर वेट कीजिए, मैं 5 मिनट में अभी आए पैसे लेके। क्या मजा आएगा हम लोगों को इटली में। वेनिस, रोम, वाह। यू विल मिस इट इफ यू नॉट गो विद मी। यू विल जस्ट नेम इट एंड यू विल गेट एवरीथिंग। Your call. Take your call. Yeah. Oh, thank you. Yes, my hero. Dad, जल्दी से मुझे 50,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करा दीजिए, जल्दी से। What? What? Is everything fine? Huh? yes, sir. All is fine. चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। Only? वाह भाई वाह, तो कमाल हो गया। अब बेटी जी का काम हो गया, दोनों आ रहे हैं। गुड, वेरी गुड। डैड अब प्लीज मजीद वेट मत करवाइए और जल्दी से पैसे ट्रांसफर करवा दें, क्योंकि इस चर्चे के चक्रों में ना हमारे खर्चे निकलते आ रहे हैं। हाँ, भेज रहा हूँ, बस समझो अभी हो गया तुम्हारा काम। एक sure, take your time. Hey, Nabeer, what happened to you? Are you okay? yeah, I'm perfectly fine. You're always okay. yeah, good. Wall to wall, film, everything. Just keep it in your mind. Inshallah. And just relax. I'm relaxed. ऐसे क्या देख रहा हूँ? देख रहा हूँ कि जो सुना था मैंने कि ऐसा होता है, वैसा होता है। तो जब वो होता है तो क्या ऐसा होता है? वाह, बहुत गहरी बात की है मैंने। तो क्या सुना? Being a male lead film actor, मैंने ये सुना था कि क्या सुना था? जब इंसान, और ऐसा इंसान जो अपने होंठों से लफ्ज ना निकालता हो लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह जाती हैं, तो ऐसे अल्फाज बहुत असर कर चुके हैं। ओह, तो असर हो रहा है? असर तो हो चुका है, अब इलाज का वक्त। बीइंग अ मेल फिल्म एक्टर, मेरे इलाज का वक्त शुरू हो चुका है। वैसे मैं जब भी कराची आती हूँ ना, तो यहाँ बिल्कुल सेफ फील नहीं करती, लेकिन आज कराची की सड़कों पे मैं अपने आप को बिल्कुल अनसेफ फील नहीं कर रही। देखो, बीइंग अ मेल फिल्म एक्टर, मैं यही कहूंगा कि तुम जब भी मेरे साथ होती हो तो कभी अपने आप को अनसेफ नहीं महसूस किया करो। और मैं वैसे भी बीइंग अ मेल फिल्म एक्टर, मैं खुद एक बहादुर इंसान हूँ, ना मैं खुद डरता हूँ ना मैं अपने साथ खड़े लोगों को कभी डरने देता हूँ। नेवर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। बहुत सुने तुम्हारे बहादुरी के किस्से, अब साथ हैं तो कभी देख भी लेंगे। लजट, जल्दी करो जोया, फोन दो, भाइयों को ज्यादा इंतजार नहीं कराते। हा? दो 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 फोन दो भाई, एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। ये ले। नहीं नहीं सर, मोबाइल नहीं चाहिए। सर, बबलू फ्रूट चाट। भाई क्या एक्टिंग करते हैं आप, एक सेल्फी हो जाए। ओ माय गॉड जोया, आई एम सो सॉरी, दीज आर माय फैंस, आउट ऑफ मिलियंस ऑफ फैंस। मैं घर से निकलता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, ये फैंस मेरा पीछा नहीं छोड़ते यार, मेरा फैमिली टाइम है। आई नीड टू गो एंड अटेंड देम। It's the fans I live for. Yaar, wait karo. Achha, main aa raha hoon. Very good. Sounds very good. Bas tum ek kaam karo ki 50 plots jo hai foran book kara do. Oho, tum sirf plots ko hold karo advance deke. Main next week mein Dubai aa raha hoon aur jitne banks ke jo masle masale hain main dekh lunga. Aur suno. Dubai mein koi aisa aadmi dekho jo humse wahan pe डॉलर और दरहम से, और यहाँ पे मेरे दोस्त के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा दो फौरन। अच्छा दिलावर, जस्ट होल्ड ऑन। कबीर, यस, एडवांस में 5 करोड़ रुपए ठीक रहेंगे? हाँ, वी विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। गुड, वेरी गुड।
दिलावर बात सुनो, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, बल्कि हीरे का अंडा देने वाली मुर्गी है। मुझे पल पल की अपडेट चाहिए। ओके क्या बात है दाऊद, बहुत खुश लग रहे हो। बहुत, अरे बहुत तो बहुत छोटा लफ्ज है कबीर, मेरा कूड़ा जो है वो कोहिनूर बन चुका है। अब मैं एक साथ तीन तीन मूवीज अनाउंस कर सकता हूं। I have no worries, no issues. Wow, great. लेकिन यार वो असल बात मुझे भी बताओ ना, ताकि मैं भी मजे में शरीक हो जाऊं। हाँ, हुआ ये कि मैंने दो हफ्ते पहले कुछ प्लॉट्स लिए थे, 50 प्लॉट्स लिए थे मैंने, बंजर जमीन थी। And you know what? अब 25-25 करोड़ रुपए मिल रहे हैं उसके मुझे। वो कैसे भाई? अरे कभी तेल निकल आया है मेरी जमीनों से, तेल। गवर्नमेंट ऑफ दुबई को ये शक हो गया है कि मेरे प्लॉट्स में से तेल का समंदर उमड़ के बाहर आने वाला है। हाँ, जो प्लॉट्स थे वो रखे हुए थे, तो मैंने कहा 50 के 50 प्लॉट्स जो है वो बुक करा दो। ये 5-5, 10-10 लाख जो है ना, कल को अरबों रुपए बन सकते हैं। You got it? गुड यार, वेरी गुड। हाँ लेकिन यार पैसा ही पैसे को खींचता है ना, अपने हाथ में भी कुछ होता तो अपना तेल निकाल लेते। थोड़ा बहुत तेल तो हम भी तुम्हें गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहो तो तुम अपना तेल भी निकाल सकते हो। अच्छा वो कैसे? अगर इंसान गौर करे तो उसके पास कुछ ना कुछ होता है। मेरे पास तो सिर्फ एक बेटा है यार, फिलहाल उसके पास भी कुछ नहीं। Don't you worry. Not at all. You don't need to worry. थोड़ा बहुत तेल तो हम तुम्हारा निकाल देंगे। I mean to say के जो घर है तुम्हारा ज़ादी है? हाँ, of course.